आगरा की इत्मादपुर विधानसभा से चुने गए बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में खारे पानी की समस्या को दूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इत्मादपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उनकी भी स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा और सरकारी डिग्री कॉलेज की कमी के चलते यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। और क्या कुछ कहा सुनिए। आगरा के जो कि आगरा से उन्होंने एतमादपुर विधानसभा से एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो कि पहले भी दो बार अलग पार्टियों से विधायक रह चुके हैं और पहली बार उन्होंने भाजपा से एक बड़ी जीत दर्ज की है। मेरे साथ मौजूद हैं धर्मपाल सिंह जी, जानेंगे उनसे क्या वो जनता के बीच जाएंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी और सरकार को के लिए क्या वो आभार व्यक्त करेंगे, क्या उनका जनता के लिए संदेश है। जनता जी में आपका स्वागत। धन्यवाद। देखिए, आपने एक बड़ी जीत ऐतिहासिक जीत हासिल की है, आप जनता पार्टी के नेतृत्व में आप विधायक बने, क्या जनता के बीच आपकी प्राथमिकता रहेंगे और क्या संदेश देना चाहिए? मैंने एतमादपुर विधानसभा के विकास के लिए सब जो हमारे यहाँ सब परेशानी थी उन्हें संकलित करके एक रोड मैप तैयार कर रखा है, चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, चाहे पीने की पानी की समस्या हो, चाहे किसानों में नहरों की पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हो, मैं उसी अपना एक हमारा रोड मैप तैयार है विधानसभा के विकास के लिए, उसी रोड मैप पर आगे बढ़ के जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं विधानसभा में उन समस्याओं का निस्तारण करूंगा। आपके सामने एक विपक्ष पार्टियों की एक बड़ी चुनौतियाँ रही होंगी, आपने कैसे ये संभव किया कि आपने इतनी बड़ी 45,000 करीब वोट से आपने जीत हासिल की है, कैसे संभव रहा? हमारा हमेशा उद्देश्य विकास रहा और साथ ही साथ सर्व समाज का सम्मान, सबका सम्मान, सर्व जो हमारी जो हमारे यहाँ पूरा क्षेत्र का जो हमारा समीकरण, मैंने हमेशा कभी जात बात पर चुनाव आज तक नहीं लड़ा, सबका साथ सबका विकास और हमारा विकास भी लक्ष्य रहा। और हम रात दिन, हम 5 साल रात दिन क्षेत्र में रहते हैं, कभी चुनाव हमें कभी लगता ही नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जैसा रूटीन 5 साल रहता है वैसे ही चुनाव में भी रहता है। तो हमने मेहनत की है 5 साल जनता के बीच में रहकर, जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण के लिए हमने प्रयास किया हमेशा। मेरे साथ थे विधायक जी, आपके आगरा विधानसभा से उन्होंने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है और उनका कहना था कि जनता के लिए उन्होंने एक मैप बना रखा है जो लगातार उनके लिए काम करेंगे, आने वाला उनका जो भी कार्यकाल है उनके सारे कहम। जनतंत्र टीवी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।